हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोहिनी क्विक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इंस्टेंट मिल्क बर्फी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इंस्टेंट मिल्क बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल ले लेंगे। अब इसमें मेजरिंग कप से 2 कप मिल्क पाउडर डालें और यही कप से 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप दूध। सभी को अच्छी तरह से मिला लें। अब इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे, तो इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, इस तरह से एकदम चिकना बनाएं। अब हमें कढ़ाई चढ़ा लेंगे। अब इसमें मिक्सचर को डालें और 3 बड़ी चम्मच देसी घी डालेंगे। अब गैस फ्लेम ऑन कर दें और लगातार इसे चलाते रहेंगे और इसे 10 मिनट हम पकाएंगे। ये फटाफट बन जाता है कम टाइम में, तो इसे इस तरह लगातार चलाते रहें, नहीं तो ये कढ़ाई में पकड़ लेगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो जमने वाली कंसिस्टेंसी तक इसे हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है, जमने जैसा। तब एक हम बर्तन ले लेंगे, इसमें घी लगा दें। घी लगाने से ये चिकना हो जाएगा। अब इसमें मिक्सचर को डालेंगे, ऐसे हल्का हल्का प्रेस कर दें। इस तरह से इसे हम फैला देंगे। अब जो भी आपको पसंद है ड्राई फ्रूट इसमें लगा दें। तो मैं यहाँ पे पिस्ता और बादाम डाल रही हूँ। ऐसे भी हल्का हल्का प्रेस कर दें ताकि ये मिक्सचर में पकड़ ले। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और 2-3 घंटे तक इसे छोड़ दीजिए। इसके बाद इसका हम बर्फी बनाएंगे। तो नाइफ के माध्यम से इसे बर्फी के शेप में इसे आप काट लें। ये बर्फी खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। रक्षाबंधन आने वाला है तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें और ये कम समय में भी बन भी जाता है। अगर मेरी रेसिपी आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।